सो हे गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर ट्रेंजो। सो गाइस, हम अभी वाटरफॉल घूम करके आए हैं और अभी हम जा रहे हैं जलोरी पास। और जैसे ही वाटरफॉल से हम घूम करके गाड़ी में बैठे, गाड़ी तो एकदम भपका हो गया, भबक गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा भबक रही थी कि पसीने आ गए हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हो गया है 21 डिग्री सेल्सियस, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। धूप के होते हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज है और बहुत ज़्यादा टाइट भी है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम जलोरी पास, जो कि है यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन बहुत ज़्यादा सकरा रास्ता है। देखो सामने बस है और उसके आगे से एक आ रही है गाड़ी, तो इसलिए इन्हें साइड में लिया और अब हमारी बारी है साइड में करने की, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे चलाना पड़ रहा है देख करके और संभल करके। तो गाइस अभी तो देखो ये तो झरना देख रहे, उस साइड की तरफ तो झरना यहाँ से नहीं दिख रहा मुझे। और देखो एक तो स्टीव के साथ साथ रास्ता साकरा भी है, मतलब नैरो भी है, और दूसरा चढ़ाई भी है, मतलब सोने पे सुहागा। देखो रास्ता कितना ही बच रहा है यार, जरा सा रास्ता है बस। लेकिन तीर्थन वैली जो है ना बहुत ज्यादा सुंदर है यार, ये जो जगह है ना बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर मम्मी और गई माँ को भी लेकर के आएंगे कभी इन फ्यूचर, अभी प्लान बनेंगे तो उन दोनों को भी लाएंगे। वैसे तो वो आ जाते लेकिन गरिमा का छोटा एग्जाम थे तो इस वजह से नहीं आई वो, तो हमारा तो आना जरूरी था क्योंकि हमने करा दिया था रूम बुक, तो उसने एंड टाइम पे मना कर दिया उसने। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार एंजॉय कर लेगी, अभी तो खैर हम ही करते हैं और हम यहाँ के लेते हैं नज़ारों के मज़े लेते हैं। भाई जलोरी पास के रास्ते पे जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, लेकिन नज़ारे बहुत तगड़े हैं। और हमारे आगे अभी देखना थोड़े से आगे जाकर के ही साइकिलिस्ट भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे अभी पीछे छोड़े हैं। और ये देखो शायद ये लोग भी जलोरी पास ही जा रहे हैं, लेकिन आए कहाँ से पता नहीं, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तभी इनको पैदल चलना ले आनी पड़ रही है साइकिल को। अभी गाड़ी चल रही है, देखो दूसरे गियर पे लग गया हुआ है और देखो क्या चल रहा है, बहुत तगड़ी चढ़ाई है भाई साहब। यहाँ तो कुछ वो भी नहीं है, ऊपर एकदम से स्टीप चढ़ाई थी और कुछ भी नहीं है साथ में, वो भी नहीं था पीछे रोका राखी करने के लिए, कोई एकदम से ऐसी तो नीचे जाएगा और हमें यहाँ फंसते हुए। एक मिनट साइड देखो, साइड जान दो, निकल गए, जाने दो, अपनी साइड दबाओ, जान दो सीधी, ये बराबर चला रहा था बस की गाड़ी बर्फ पड़ी थी। हाँ यहाँ की गाय देखो इतनी छोटी छोटी सी होती है, छोटी गाय। और यहाँ पर अनार के पेड़ बहुत सारे हैं भाई, ये सारे अनार के पेड़ हैं ये वाले, ये रहा। तीर्थन वैली जनवरी 5, 2022। मिल गई बर्फ, पता नहीं आगे भी जलोरी पास के पास भी बर्फ मिलेगी नहीं मिलेगी, ये पता नहीं कब की पड़ी है कब की नहीं भाई, मतलब अभी मेल्ट नहीं हुई बस। यानी इसका मतलब जलोरी पास आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, बस आ रही है। हमें लगानी पड़ेगी साइड में, बस आ रही क्योंकि गाड़ी भी आ रही है, निकल लाने फाइनली
फाइनली जलोरी पास इज हियर। ये जलोरी पास का मंदिर और यहीं का लिखा हुआ जलोरी पास। ये रहा मंदिर का लिखा है जलोरी। ये क्या चीज है आंटी, किस चीज का? हाँ अच्छा ब्रास का। आ तो गए भाई हम जलोरी पास। होएगी तो नंबर लिख रहा है, बुला लेगा फोन करके। लेकिन यहाँ जलोरी पास कहाँ लिखा है बता नहीं भाई। जलोरी पास है, जलोरी ये है जलोरी पास। ये है 10,280 फीट पे। जलोरी पास में मंदिर भी है, टेंपल भी, और यहाँ से ट्रैकिंग के लिए रास्ता जाता है ऊपर। ये यहाँ से ज़्यादा ट्रैकिंग स्लोर सा जो भी है। क्या नाम बता रहे भैया आप? ये जगह ऊपर लेक जो है, लेक सिरोसा। लेक सिरोसा, हाँ जी। कोई लेक के लिए ट्रैकिंग का रास्ता है और जलोरी पास तो यही है। वो एकदम सामने वो है रघुपुर फोर्ट, वो एकदम ऊपर टॉप पे, एकदम टॉप पर रघुपुर फोर्ट है। और देखो कितना दूर है, दूसरे माउंटेन पर है वो। वो वहाँ जा करके बता रहे हैं। वो तो दिख रही है उसकी टॉप, वो है क्या? रघुपुर फोर्ट के लिए ट्रैकिंग जो है 3 किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना। और सरोसा लेक के लिए 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, मतलब 10 किलोमीटर अप डाउन। यहाँ से हॉर्स जाते, मतलब ये यहाँ से हॉर्स राइडिंग होती है, यहाँ से लेकर के जाते हैं। आपको ट्रैकिंग करनी है अगर हॉर्स राइडिंग करके, तो हॉर्स से जा सकते हो आप ट्रैकिंग करने, आसान पड़ेगा आपको। पैदल नहीं जाना तो हॉर्स के थ्रू जा सकते हो, हॉर्स की सहायता ले सकते हो। वो देखो वो जा रहे लोग ऊपर, तो हॉर्स भी जाते हैं लेकिन ये पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं आपसे, तो उसी के हिसाब से इनको सेट करना, उसी के हिसाब से लेके जाना, बहुत ज़्यादा बताएंगे पैसे। मंदिर के लिए रास्ता है जा रहा है। ये मंदिर था भाई जलोरी पास पे। यहाँ का जो अल्टीट्यूड है 10,280 फीट के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग 10,280 फीट है। क्या बोले ना, जलोरी पास के लिए हैं पाम रेड वाले और ये ग्रीन वाले, खा करके देखते हैं कैसा लगते हैं, कैसे नहीं। वो खड़ी अपनी गाड़ी उसमें रखते हैं। सो गाइस जलोरी पास से हम निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं आगे नारकांडा की तरफ। अभी देखते हैं पहले वहाँ पर रघुपुर फोर्ट जो है वो बहुत ऊपर जा करके एकदम चढ़ाई पर, एकदम टॉप पर है 3 किलोमीटर। आगे कभी जब मम्मी और गरिमा जब आएंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम जलोरी पास के लिए आए थे, वो कर लिया हमने। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर की तरफ है ना, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। और पापा जी को सांस में भी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सांस में भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा ऐसा। बाकी तो सब ठीक है, नीचे चलते हैं यहाँ जल्दी से फटाफट से। और चलो जलोरी पास पे हो रहा है थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक का सेवन, नींबू है नींबू ना। और रघुपुर फोर्ट का यहाँ से ट्रैक होता है, रघुपुर फोर्ट का यहाँ से ट्रैकिंग जाती है, रास्ता ट्रैकिंग का रास्ता यहाँ से जाता है। ऑफ रोडिंग का टाइम स्टार्ट है भाई साहब, मतलब यहाँ से ऊपर से आओगे ना जलोरी पास से तो आगे की तरफ जाओगे नारकंडा की तरफ, तो ऐसी थोड़ा सा रोड खराब मिलेगा, पता नहीं कहाँ तक है ये, कहाँ तक नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। वो जहाँ वो बाइक दिख रही ना आती हुई बस उससे थोड़ा सा आगे तक है, फिर उसके बाद नॉर्मल रास्ता है। BM बबलू होंडा की है, CVX अच्छे
बस यहीं तक है, यहाँ से रोड ठीक हो जाएगा। हो गया, हो गई शांति। अभी हम चढ़ाई करके आए थे ना, पहले नीचे तब आए थे, अब यहाँ सीधा सारा ढलान है। प्राथमिकता हमेशा चढ़ाई करने वाले को देनी चाहिए, जो गाड़ी ऊपर चढ़ रही है उसको देनी चाहिए। फील द नेचर, वेलकम टू स्नो ड्रॉप नेचर कैंप। कहाँ है गाइस, वो देखो सामने, ये सारी एप्पल फार्मिंग है जो ढक रखे सारे पेड़ को, ताकि इनके ऊपर ज्यादा तेज धूप ना पड़े और कीड़े जो है इनकी फसल को खराब ना करें। और यहाँ थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा भी है। सारे रोजीज हैं, वाइट रेड पिंक। ये देखो ये एप्पल का ट्री, उसको कवर किया हुआ है। ऐसे कवर कर देते हैं। अभी एप्पल लिया है, ये बस इसलिए करते ताकि इनकी फसल को खराब ना करें कीड़े वगैरह। क्रॉसिंग आई है छुटकी की। सारा खराब रास्ता आ गया भाई, फिर आगे ठीक है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर दोबारा ठीक है। 100 मीटर के आसपास का खराब होगा, फिर वहां से ठीक है होगा। कितनी सारी गोट आ गई, गोट। क्या बोलना, खैर इस व्लॉग को करते हैं पैन, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देख लिए तो लाइक कर देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते हैं एक्सप्लोर टू इंजॉय, और नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बाय।